नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्राइम टाइम, टाइम का फेवरेट अपना शो। और ऐसे में हम, आपको पता है कि वीकेंड्स में हम जनहित की बात करते हैं, वो बात जो आपको इम्पैक्ट करता है, वो खबरें, वो उन खबरों का इम्पैक्ट, उन वो बड़ी चीज़ें जो आपसे सीधे रिलेटेड है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। और ऐसे में आज वीकेंड के हमारे स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं NH3N2 नामक एक जानलेवा संक्रमण के बारे में। कहा जा रहा है ये इन्फ्लुएंजा है, लेकिन इससे अब तक 2 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से अभी तक कुछ समय पहले ही लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अभी अब कुछ समय पहले ही जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल ख़त्म किए गए, आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आनी शुरू हुई, और तभी अब देश में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। ये नया वायरस H3N2 नाम से जाना जा रहा है, जो कि बेहद गंभीर बताया जाता है। कहने को तो ये सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा, मौसमी बीमारी है, उसका एक सब टाइप है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा खतरा, ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये जानलेवा हो सकता है। इस वायरस से अब तक तकरीबन 9 लोगों की मौत की खबर है। इस खतरनाक वायरस को लेकर के केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी चिंतित है, और लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। बैठक स्वास्थ्य विभाग के कई मंत्री कर रहे हैं, जरूरी निर्देश यानी कि गाइडलाइंस दे रहे हैं, लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इस वायरस को लेकर के। महाराष्ट्र में तो अलर्ट भी जारी किया गया है, तो वहीं दिल्ली में भी DDMA की बैठक की गई है, जिसमें इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर के चर्चा हुई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी सतर्क और सुरक्षित रहने का आग्रह किया है। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ये वायरस कहाँ से आया है, देश में इस वायरस के बढ़ते आंकड़ों का आखिर आज की डेट में स्थिति क्या है, स्वास्थ्य विभाग वायरस को लेकर क्या तैयारी कर रहा है, इन सभी मामलों पर अपने एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार किया, वो ज़रा देखिए कि आखिर ये इन्फ्लुएंजा कितना भयानक है, इससे क्या कुछ हो सकता है। भारत समेत और कितने अलग अलग देश हैं जहाँ पर H3N2 का प्रकोप है। बदलता मौसम बड़ी मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। सर्दी गई नहीं, तेज गर्मी शुरू हो गई। देश के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का कहर है, पारा 54 डिग्री के पार पहुंचा, तो कहीं बारिश ने मौसम बदल दिया है। मौसम में अचानक से आया बदलाव तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ H3N2 जैसे खतरनाक वायरस की अटैक ने देश के हालात बिगाड़ दिए। सामान्य इन्फ्लुएंजा का संक्रमण अब घातक रूप लेता दिख रहा है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 वेरिएंट के कारण लोगों में कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं देखने को मिल रही हैं। इस संक्रमण से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की पहली खबर कर्नाटक से है, तो दूसरी खबर हरियाणा में रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा ये संक्रमण अब तक कई लोगों को संक्रमित कर चुका है। इस जानलेवा संक्रमण से लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाने को एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं। दरअसल H3N2 एक गैर मानव इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो सामान्य रूप से सुअरों में फैलता है और मनुष्य को संक्रमित करता है। इस वायरस को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। H3N2 वायरस देश में दूसरे इन्फ्लुएंजा सब वेरिएंट की तुलना में अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है। अगर आप देखें कॉमन कोल्ड से, H1N1 से जो इन्फ्लुएंजा है हमारा वायरस, उससे पूरे वर्ल्ड में हर साल करीब 5 से 6 लाख डेथ होती हैं। तो ये कोई, इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो, और वो उनमें होती है जो या तो सीनियर हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन है, सपोज एज ज़्यादा हो गई है, साथ में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई कंप्रोमाइज इम्यूनिटी है, सपोज कोई किडनी डिसीज़ है या कैंसर है ना, या कोई और इन्फेक्शन है। तो ये सुपर एडिट, जब ये कोई कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन होता है उस वीक इम्यूनिटी में, तो ये ज्यादा बैडली हर्ट करता है।
H3N2 वायरस के साथ अब धीरे धीरे कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। कोरोना संक्रमण के बाद फैलने वाला H3N2 वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लेता है। इसमें बच्चों को 4 से 5 दिनों तक सर्दी, जुकाम और बुखार होता है। स्वास्थ्य विभाग इस संक्रमण को लेकर सतर्क है। IDSP IHIP के जारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों में 9 मार्च 2023 तक H3N2 सहित इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों की पुष्टि की गई है। इसमें जनवरी में 1245, फरवरी में 1307 और मार्च में 9 मार्च तक 4086 मामले शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं से IDSP IHIP डेटा बताता है कि जनवरी 2023 के दौरान देश से H3N2 और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के कुल 3,97,814 मामले सामने आए थे, जो फरवरी के दौरान थोड़ा बढ़कर 4,36,523 हो गए और मार्च 2023 के पहले 9 दिनों में ये संख्या 1,33,412 पर पहुंच चुकी है। दिल्ली NCR में कोविड के केसेस में भी उछाल है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। आज DDMA की बैठक में H3N2 और कोविड पर चर्चा की गई। मौसम में बदलाव और इन्फ्लुएंजा H3N2 के फैलाव के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एडवाइजरी जारी कर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। इस बार देखने में आ रहा है कि काफी पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। जनरली इसके अंदर फीवर आ रहा है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी स्टफी नोज है, मसल एंड बॉडी एक, हेडेक्स, फटीग, और अक्सर आपको पता चल रहा होगा कि आसपास जो है लोगों को काफ़ी खांसी, जुकाम, बुखार, इस तकलीफ़ के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि दो तरीके के एज ग्रुप्स हैं जिनको इससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वो है 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 5 साल से छोटे बच्चे जो है उनको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अंदर H3N2 वायरस के साथ अब धीरे धीरे कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं। संक्रमितों का हर दिन बढ़ता आंकड़ा लोगों को एक बार फिर से डरा रहा है। महामारी के 2 साल बाद बढ़ते फ्लू के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से लोगों से कहा गया है कि छींकने, खांसने के दौरान मुंह नाक को ढकने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है हम सभी सावधान रहें, एहतियात बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज के वो जुड़ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर राकेश यादव, कार्डियोलॉजिस्ट एम्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, फोर्टीज हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष मन्नान, पेडियाट्रिक्स हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन, इंटरनल मेडिसिन, स्वागत है आपका। पवन कुमार, हेल्थ जर्नलिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के इस प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी मैं डॉक्टर राकेश यादव से। एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट है, सीनियर पोजीशन पे हैं। ऐसे में हम लगातार नए नए बीमारियों के बारे में बातचीत तो कर ही रहे हैं। पिछली बार राकेश जी हमने अचानक आ रहे हार्ट अटैक के बारे में बात किया था, लेकिन अब जिस तरीके से अब ये इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है H3N2 ये डराने लगा है, लोगों की मौत हो रही है। तकरीबन अब तक 9 लोगों की मौत की भी खबर है। देखिए ये और ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है कि ये डराने लगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जनवरी से मार्च में आता है, मानसून के बाद आता है। और इन्फ्लुएंजा सही अमेरिका में 1 से 1 लाख वायरस इंफेक्शन है जो आपके लंग को संक्रमित कर सकता है। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, उससे ठीक है। मैं आपके पास आती हूँ, शायद लाइन डिस्टर्ब है। हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी हैं। आज DDMA ने बैठक ली है इस गंभीर वायरस के ऊपर, क्या कुछ हुआ है एक बार जल्दी से जानकारी। नमित त्यागी के पास, आप इस मीटिंग में थे,
किस तरह की सावधानियों कोताहियों के बारे में बताया गया है इस मीटिंग में? क्या कोई बड़े डिसीजन लिए गए हैं? क्या कोई दिशा निर्देश, जो हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, क्या कुछ हुआ? जल्दी जल्दी से बताइएगा नमित त्यागी। देखिए बिल्कुल प्रीति, H3N2 जो वायरस है लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार ने DDM की एक बड़ी बैठक की, जिसमें खुद दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना थे, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने। सीधे तौर पर जो दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल हैं, LNGP की बात करें तो वहां पर 20 बेड का एक जो स्पेशल वार्ड है उसको रिजर्व रखने के लिए कहा गया, यानी कि अगर इस वायरस के दिल्ली के अंदर पेशेंट आते हैं, हालांकि मौजूदा समय में H3N2 वायरस का कोई जो पेशेंट है वो दिल्ली के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में वायरस के मरीज आते हैं तो उनके लिए अलग से वार्ड जो है वो आरक्षित किए गए हैं। अभी फिलहाल LNGP में 20 बेड का जो वार्ड है वो आरक्षित किया गया है। आने वाले समय में बाकी जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंडर में हॉस्पिटल आते हैं उसमें इन रिजर्व बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बात करें तो जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के झटके आए थे, भूकंप आया था, भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, उसको लेकर भी दिल्ली के अंदर जो जर्जर पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी भी रेखी की गई है, वहां पर क्या कदम उठाने उसकी उस पर चर्चा की गई है। लेकिन मोटे तौर पर अगर कहें तो दिल्ली के अंदर जो कोविड के टाइम पे गाइडलाइंस थी उनको सरकार जल्दी ही लागू कर सकती है। अगर H3H2 के जो वायरस के लक्षण हैं वो दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, दिल्ली के अंदर पेशेंट बढ़ते हैं, तो जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको दिल्ली में लागू किया जा सकता है। क्या क्या ये आप जो कह रहे हैं कि कोविड के जो गाइडलाइंस थे वो एक बार फिर से, अगर लक्षण या पेशेंट की संख्या बढ़ते हैं और पेशेंट अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि दिल्ली के अंदर इतने पेशेंट है, उसके बाद हम जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस है वो हम लागू करेंगे, क्या हम एक बार फिर से वीकेंड जो लॉकडाउन लगाया जाता था दिल्ली में, क्या ऐसा होता है तो हम गुंजाइश कर सकते हैं कि शायद इस तरफ दिल्ली सरकार बढ़े? देखिए अभी प्रीति वो कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में फिर से वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है या फिर जो मास्क है वो अनिवार्य किया जा सकता है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी इस वायरस के दिल्ली के अंदर पेशेंट नहीं है, इस वजह से अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि सावधानियां जरूर लोगों को बरतनी चाहिए। हालांकि आने वाले समय में दिल्ली सरकार कुछ नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर सकती है, चाहे उसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य की बात करे, या फिर अगर बात करें घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइजर का यूज कीजिए, या फिर मेट्रो के अंदर मास्क अनिवार्य, ये तमाम जो गाइडलाइंस है अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो सरकार फैसला ले सकती है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाली बात आप कह रहे, सौरभ भारद्वाज भी PC कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जरा बचकर जहां पर एक्सट्रीम भीड़ आती है मार्केट्स में वहां पर रेगुलेट करने की जरूरत है। क्या गाइडलाइंस आ सकता है? ठीक है, मास्क के लिए भी जो आपने कहा कि अनिवार्य है कि आपको पहनना पड़ेगा और तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली हब है मार्केट्स का, ऐसे में वहां के लिए क्या कोई गाइडलाइन आ सकती है? देखिए अभी आज जो DDMA की बैठक हुई है उसमें तो कोई गाइडलाइंस नहीं लागू की गई है, हालांकि ये जरूर कहा गया है कि अगले हफ्ते फिर से DDMA की बैठक होगी। अच्छा। और उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ पेशेंट बड़े हैं या फिर जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके एक सप्ताह तक कंटिन्यू फीवर और उनको कंटिन्यू खांसी है तो उनके अंदर लक्षण क्या क्या आ रहे हैं, अगर इस तरीके के मरीज बढ़ते हैं तो शायद सरकार कोई फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल तो जो दिल्ली के व्यापारी हैं, क्योंकि जब भी DDMA की बैठक होती है तो दिल्ली के व्यापारियों की उस बैठक पर खासा नजर होती है, क्योंकि अगर में लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का होता है, ऐसे में व्यापारियों को भी डर रहता है कि कहीं दिल्ली में फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो अभी लॉकडाउन के लक्षण तो नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो अस्पतालों के अंदर जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है डॉक्टर्स को भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जल्द वापसी करेंगे आपके पास। हमारे साथ तमाम मेहमान एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एम्स के डॉक्टर राकेश यादव जी थे, उनसे मैं जवाब ले रही थी, आपको शायद मेरी आवाज आप सुनाई, अगर हम सही आवाज अगर आपके पास आ रही है, राकेश जी आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही, बोलिए। DDMA की बैठक भी आज दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे हालात नहीं लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है, इसका मतलब आहट है। अगर सरकार सतर्क है, अगर सरकार मीटिंग्स कर रही है, इसका मतलब है कि आहट है, चेतावनी है, दिशा निर्देश आ रहे होंगे किस तरह की घटना दिल्ली में, और दिल्ली में तो विस्फोट होता है सर, एक ही बार में विस्फोट, जिसको हम पहले तो हमने कोरोना विस्फोट देखा था, बताइए। कोरोना को आप इन्फ्लुएंजा से मत सिमिलर करिए, लोग तो मर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा तो हर साल आता है, साल दो बार आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और हर साल कभी H1N1 आएगा, कभी H3N2 आएगा, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा चार टाइप के ग्रुप होते हैं, ABCD और ABC ह्यूमन को इफेक्ट करता है, और एक हम सब कटरा प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के माध्यम से करते हैं, तो उसके वेरिएंट तो आते ही रहेंगे,
कोई सीवियर होगा, कोई लेस सीवियर होगा, उसमें पेट में जैसे इस बार के इन्फ्लुएंजा में पेट के डिस्टर्बेंस बहुत हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये एक नॉर्मल है, इन्फ्लुएंजा तो हर साल में दो बार आएगा ही आएगा और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। आप H3N2 आपको मालूम है 1968 में इसका पेंडेमिक आ चुका है वर्ल्ड में, 1968, तो ये वायरस 1968 से ही है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। हाँ, ये वायरस में जो थोड़ी बहुत खराबी है ये H1N1 से ज्यादा रैपिडली होता है और कुछ लोगों में सीवियर हो सकता है। जनरली H1N1 कहते हैं कुछ बहुत लोगों में सीवियर नहीं होता, और जैसा देखा दो डेथ आपकी रिपोर्ट हुई है, और आप मानिएगा हमारे पास हम सभी इस समय कॉमन कोल्ड से पीड़ित है और कोई हम टेस्ट कराते नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि हमारे में नहीं हो सकता H3N2 बिकॉज अभी सारे लोग पिछले एक महीने में देखेंगे तुमको कॉमन कोल्ड हुआ है। इतना मत डराइए, हाँ जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, जो 65 साल के ऊपर है, बुजुर्ग है और कोमोबिडिटी है, तो क्या है? नहीं सर, राकेश यादव जी मैं आपके पास आती हूँ, और भी मेहमान है, आपसे मैं जानूंगी लेकिन एक बार उनके पास जाना जरूरी है। डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल भार्गव, जैसा कि डॉक्टर यादव भी बता रहे थे कि जो एज ग्रुप देखा गया है जिनमें ये जो वायरस है बहुत आसानी से अटैक करता है वो है बच्चों में, और एक है जो बुजुर्ग है उनके ऊपर, क्या बुजुर्गों को अगर एक हफ्ते से ज़्यादा बुखार या फिर बहुत सीवियर खांसी चेस्ट कंजेशन होता है तो कोई बड़ी बीमारी हार्ट अटैक या फिर लंग फेलियर इन सब की वजह से मौत भी हो सकती है? राहुल भार्गव आपसे सवाल है, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर राहुल भार्गव आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ठीक है, अपनी टेक्निकल टीम से मैं कहूंगी जरा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करें, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ मनीष मन्नान भी हैं पेडियाट्रिक्स के, मनीष मन्नान जी, बच्चों में ज्यादा खतरा है, बच्चों में ज्यादा खतरा है, कैसे बचाएं अपने बच्चों को? देखिए सबसे पहले मैं बताते डॉक्टर राजेंद्र जी ने एम्स के डॉक्टर, ये H3N2 नया वायरस नहीं है। मैं समझता हूँ 2018 में जब स्पेनिश फ्लू आया था वो इन्फ्लुएंजा ए था, उसके बाद 1968 में उसका वेरिएंट आया H3N2, इसके सब वेरिएंट हर साल आते रहते हैं। पिछले दो सालों में जब कोविड आया तो लोगों का जो एक्सपोजर है ये बहुत ही कम हुआ है आमतौर पर बाकी वायरसेस के साथ, इसकी वजह से जिसको हम कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी, जब आप वायरसेस को एक्सपोज होते हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करती है, वो खराब हो चुकी है। ये कारण है कि अब जो ये इसके वेरिएंट हो रहे हैं इसके ये लक्षण ज्यादा आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चों में ये लक्षण थोड़े से ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत सीरियस मामला हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार सर में दर्द होना इस तरह के लक्षण आते हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी दवाई है हमारे पास और कई सालों से सर है। मेरा सवाल यह है कि देखिए जैसे कि डॉक्टर यादव कह रहे थे कि ऐसा नहीं पहली बार हमारा जो देश है वो इन्फ्लुएंजा को झेल रहा है, हम हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल है कि हम इस तरह के इन्फ्लुएंजा को झेलते रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्रॉनिक पहले वाला इन्फ्लुएंजा नहीं होता था। आज वाला जो इन्फ्लुएंजा पहले बताया जाता था, जब मैं छोटी थी डॉक्टर के पास जाती थी तो मुझे था 3 दिन रहेगा, 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अभी मुझे दिसंबर में जो फ्लू हुआ था वो मेरी खांसी कम से कम 1 महीने में गई है, मेरा फीवर कम से कम 15 दिन में गया है। यही बात मैं कह रहा हूँ, पता है क्या, जब आप लोगों के संपर्क में आते हैं बाहर घूमते हैं तो आपकी बॉडी वायरसेस को एक्सपोज होती है, तो बॉडी अपने अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट करती है जिसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पिछले 2 सालों में लॉकडाउन की वजह से, लोगों के अंदर रहने की वजह से, बाहर मत निकलो, सोशलाइजेशन मत करो, इसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों की बड़ों की वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से वो एक्सपोज नहीं हुई रेकरेंट वायरल इन्फेक्शन से, इसकी वजह से उनकी अडेप्टिव इम्यूनिटी खराब हुई है। हाँ। ये वजह है कि अब जो बॉडी का रिस्पॉन्स इन वायरसेस के लिए है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इम्यूनिटी अभी थोड़ी सी सप्रेस है, इसको समय लगेगा अभी ठीक है। दोबारा से जो आप कह रहे थे जब मैं छोटी थी वो 3-4 दिन में, वो 1 साल में वो सिचुएशन फिर आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अभी क्रॉनिक जो ये डिजीज है, नया जो इन्फ्लुएंजा है, इसके क्रॉनिक होने की बात कर रही थी राहुल भार्गव, ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, डराने वाला है, क्योंकि पहले इन्फ्लुएंजा की बात मैंने अभी भी पूछा कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता था सामान्य इन्फ्लुएंजा या फिर जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, अब वाला जो इन्फ्लुएंजा है जैसे इसको भी वैक्सीन लगी हो, ये 15 से 20 दिन रहने की बात करता है और साथ ही खांसी भी 1 महीने में जाएगी, ऐसे में तो लाजमी है ना जिसको लंग्स प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजेशन है, उसकी तो मौत हो जाएगी सर।
नहीं नहीं नहीं, अगर हम देखें मृत्यु दर में कोई इजाफा नहीं हुआ है इस वायरस से। देखिए दो चीजों को अलग रखते, एक मॉर्बिड, अभी तक डेटा हमारे अस्पताल का भी नहीं दिखा रहा कि मोर्टैलिटी में कुछ इजाफा हुआ है या नॉर्मल दरों से ज्यादा लोगों में ये मृत्यु का कारण बन रहा है जैसे कोरोना हुआ था। तो पहली बात लोगों को ये आश्वस्त रहना चाहिए कि हाँ ये मृत्यु का कारण नहीं बनना, पर ये बन सकता है क्योंकि कुछ लोग नियर डेथ से वापस आए हैं। वो लोग कौन से, जिनको डायबिटीज है, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी, जिनको कैंसर था, जिनको सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस जिसे हम कहते हैं, ब्रोंकाइटिस जिसे हम कहते हैं, लंग की परेशानियां थी, हाँ उसमें ये जरूर परेशानी कर रहा है, हम ये बात मानते हैं। दूसरी चीज मॉर्बिडिटी की, जब लंबी खांसी चलती है ये वायरल इन्फेक्शन से पहले 5 से 7 दिनों में ही संक्रमण को बढ़ाता है, पर उसके बाद जो क्रॉनिक कफ चल रहा है वो इसका एक नया वेरिएंट आप बोल सकते हैं जो पहले नहीं होता था। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो पहले वायरल इन्फेक्शन होते थे वो 3 से 4 दिन में होते थे और 5वें दिन तक वो खत्म हो जाते थे, बट ये वायरस ऐसा नहीं है, ये 15-15 दिन तक, महीने महीने भर तक लोगों को खांसी करा रहा है, लोगों की आवाज बिठा रहा है, लोगों के मांसपेशियों में दर्द छोड़ जा रहा है, जिसे हम पोस्ट कोरोना टायर्डनेस और फटीग कहते थे वो छोड़ के जा रहा है। और बुजुर्गों में तो खासकर, मतलब सोमत तो की अपनी मदर की बात बताओ, तो आप 1.5 महीना हो गया उनको रिकवरी में, तो कभी भी उनको टायर्डनेस है 74 साल की उम्र में। तो हाँ ये बात पक्की है कि वायरस ने अपना प्रारूप बदला है, उस प्रारूप के बदलने की वजह से जो परेशानियां, तो क्या आप इसको कह रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना ने अपना वायरस ने म्यूटेट किया और एक नया वायरस हमने देखा? बिल्कुल, कोरोना अलग है, इन्फ्लुएंजा अलग है, ये H3N2 है, ये H1N1 का ही भाई बहन है जो 1968 में पहली बार पाया गया था, और ये इन्फ्लुएंजा की ही का ही भाई बंधु है। और जो हमारे पास क्वाड्रुपलेन वैक्सीन है उसमें H3N2 का बचाव की भी वैक्सीन है। तो कोरोना अलग वायरस है, इन्फ्लुएंजा अलग वायरस है, जैसे आप अलग हैं, जैसे हम अलग हैं, वैसे अलग अलग वायरस अलग अलग प्रारूप के साथ चलते हैं, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन, इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर पी के वेंकट जी, डरने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि एक आम आदमी सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहता है कि भैया मैं सेफ हूँ कि नहीं, मुझे कुछ होगा तो नहीं, मेरे घर परिवार में लोगों को तो कुछ होगा नहीं, मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले यही सवाल है, क्या इससे लोग सेफ हैं, इस वायरस से, नए इन्फ्लुएंजा से? वेंकटेश जी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। पवन कुमार हेल्थ जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन कुमार जी, आप लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री कवर करते हैं और हेल्थ को बड़े अच्छे से आप समझते भी हैं, आपके पास क्या फीडबैक है? मतलब मैं अगर इंटरनेशनली ग्लोबली आपसे पूछूं कि इस वायरस को लेकर के आपके पास क्या खबरें हैं, कैसे आप देख रहे हैं कोरोना से इतर एक नया इन्फ्लुएंजा जो लोगों को उतना ही परेशान कर रहा है। पहले भी हमने कोरोना में देखा 14 दिन क्वारंटीन का टाइम और 14 दिन तक कहा गया था घर में रहिए, ये कीजिए वो कीजिए, 14 दिन था। इसमें भी अब 15 से 20 दिन 25 दिन लग रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इससे हॉस्पिटैलिटी बढ़ रही है कि नहीं, इससे मोर्टैलिटी हो रही है। तो अभी तक का जो हमारे पास रिकॉर्ड है और जो नेशनली और इंटरनेशनली जो हमारे पास जो रिपोर्ट के अनुसार ये अभी तक ये लग रहा है कि इससे हॉस्पिटैलिटी नहीं हो रही है, और दूसरा सीवियरिटी उस लेवल की नहीं है, अगर इमो कंप्रोमाइज नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, तो उस तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एहतियात बरतने की जरूरत है, और जितना अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर पाए, आप भीड़ भाड़ से अलग रहें, दूर रहें, ये जरूर कोशिश करना चाहिए, जितना कोशिश करें मास्क जरूर पहने और भीड़ भाड़ से बचें। क्या आईसीएमआर इसको लेकर के चिंतित है, क्या आईसीएमआर की तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं? देखिए बिल्कुल इंटरनली मीटिंग चल रही है, साइंटिस्टों की मीटिंग चल रही है, स्पेशलिस्ट की भी मीटिंग चल रही है, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन फिर से आपको बताता हूँ कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पैनिक होने से हमें मार्केट हावी हो जाता है, उसको हावी नहीं होने देना है। और दूसरी तरफ इसका हमारे पास वैक्सीन H1N1 वाला जो वैक्सीन है उसको भी यूज किया जा सकता है, हालांकि अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, कि मात्र अभी तक 2 डेथ
जो रिपोर्ट हुई है कर्नाटका से, एक हरियाणा से, जो गवर्नमेंट ने जिसको एक्सेप्ट किया है। तो हमारा मानना है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अभी तक दो डेथ है, और वो भी किस तरीके का डेथ है, क्या वो ओल्ड एज है, उनको पहले से कोई तरह की डिजीज थी, तो ये सब हमें देखना होगा। ठीक है, उस पे जांच हो रही है, ठीक है। और लगातार हम बात कर रहे हैं आज जिस तरीके से एक नए इन्फ्लुएंजा ने भारत में दस्तक दिया है, उस पर लगातार बैठक भी हो रही है। आज दिल्ली में डीडीएमए की बैठक थी, उसमें सर्टन जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि दिशा निर्देश, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे मास्क लगा के जाना है, चाहे अगर आप मेट्रो में सफ़र करते हैं तो वहाँ भी आपको मास्क लगा के जाना है, ये कहा ही गया है। साथ ही LNJP हॉस्पिटल है, अगर कहा जा रहा है कि कोई भी पेशेंट अगर सरकार को लगता है कि इसे क्योर करना है और H3N2 से ग्रसित है तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट, एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ पी वेंकट कृष्णन, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। पी वेंकट कृष्णन जी, आप ये बताइए कि इस जुकाम में, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा है, अगर किसी को हो जाता है, सपोज मुझे ही हो गया, तो क्या जो मैं कोविड के टाइम पे जो हम दवाइयाँ खा रहे थे, जैसे कि पैरासिटामोल, विटामिन सी की टैबलेट, काढ़ा तो था ही, उसके साथ ही मैं अगर मैं बताऊँ जूसेस पीने पड़ते थे और पता नहीं क्या क्या था, क्या इसमें भी वो सब करना है? देखिए, बेसिक बात यह है कि इन्फ्लुएंजा जो है वायरस इन्फेक्शन है, कोविड भी एक वायरस इन्फेक्शन था। उस सब में जो लोग करते थे, काढ़ा पीते थे, मेडिकेशन लेते थे, आज के डेट पे वो सारा प्रूवन है कि वो किसी काम का नहीं है। एक्चुअली किसी काम का नहीं है। कैसे ना, क्योंकि वो सब चीजों से बॉडी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है बॉडी को। अच्छा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ट्रीटमेंट है कि नहीं वायरस का, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, बताइए। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए बहुत टाइम से दवाई अवेलेबल है। अगर मरीज हमारे पास जल्दी आते हैं, बिगनिंग में आते हैं, शुरू के एक दो दिन में, तो उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं, उसके लिए मेडिकेशन अवेलेबल है। कोविड जब शुरू शुरू में आया था तब उसका कोई मेडिसिन नहीं था, कोई ट्रीटमेंट क्लियर कट नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं थे, जो धीरे धीरे डेवलप हुए टाइम के साथ में। इसलिए लोगों को जो मन करता था, विटामिन सी बोलते थे विटामिन सी खाते थे, विटामिन डी बोलते थे विटामिन डी खाते थे, HCQ बोलते थे HCQ खाते थे, जो जो मेडिसिन सबको ठीक ठीक लगता था वो वैसे वैसे खाने लग गए। बट आज के डेट पर देखा जाए रेट्रोस्पेक्ट में उनमें से किसी चीज का कोई फायदा था ही नहीं रियलिटी में। बट इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन है इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल है, और उसके लेने से बीमारी का प्रकोप भी कम हो जाता है, ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, और बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। और ये बीमारी इतनी घातक नहीं है जैसे कोविड है, इसकी मोर्टैलिटी रेट भी कम है कोविड के कंपैरिजन में। कि एक मरीज को अगर 10 मरीज को होता है तो जितनी मोर्टैलिटी या जितने डेथ्स होते हैं इसके वजह से, वो कोविड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो क्या ये आप कह रहे हैं कि क्या ये संक्रामक नहीं है, जैसे कि कोविड के टाइम पे कहा जा रहा था कि एक एक उसकी जो संक्रमण दर है, जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को ऑफिस में हो गया, कोई कोविड से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो जहाँ बैठा है उसके पूरे एंटायर एरिया को सैनिटाइज किया जाता था, तमाम लोगों में को टेस्ट किया जाता था कि कहीं उनको तो नहीं हो गया। तो क्या ये वाला जो नया इन्फ्लुएंजा है, अगर ये किसी को होता है तो वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, अपनी उसको फैला सकता है, क्या मतलब इसको समझाइए अब ज़रा। सी, संक्रमण रेट जो है कोरोना का तो बहुत ज़्यादा था, बहुत जल्दी फैलता था। जैसे अभी ओमिक्रॉन वाला जो बीच में अभी फैला हुआ था, उसका संक्रमण बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। एक आदमी को भी होता था, किसी को भी होता था, तो आसपास बहुत जल्दी फैल जाता था। इन्फ्लुएंजा का रेट इतना ज़्यादा नहीं है संक्रमण का, और ना यह वायरस उतना ज़्यादा घातक है। किसी को हो गया तो उसका लंग्स बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे डरने की जरूरत भी नहीं है। इतना नहीं है मतलब ये फैल सकता है। हाँ, फैल सकता है, फैलेगा। मरीजों, बहुत सारे मरीज भी आ रहे हैं ओपीडी में, फैल भी रहा है, बट उस रेट पे नहीं फैल रहा जिस रेट में ओमिक्रॉन या कोविड फैलता था हमारा। तो ये क्या ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है? जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी बॉडी ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, उसे ये नया वाला वायरस उसे नहीं हुआ, इसकी बॉडी थोड़ी सी वीक है, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल में तो बीमार लोग ही जाते हैं डॉक्टर्स को छोड़ के, तो क्या बड़ा वहाँ पे भी सावधानी रखने की जरूरत है डॉक्टर वेंकटेश? इम्यूनिटी का तो रोल डेफिनेटली है। जिस पर्सन को ऑलरेडी इम्यून है इन्फ्लुएंजा से, जिनको पहले हो चुका है या जो टीकाकरण कर चुके हैं पहले, उनको तो ये वायरस के इन्फेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, हल्का सा बुखार जैसा आके चला जाएगा।
और उनको होने पे पता भी नहीं चलेगा कि बुखार हुआ है उनको या बीमारी हुई है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो लोग को इम्यूनिटी कम है, जैसे कैंसर के मरीज हैं, किडनी डिजीज के मरीज हैं, वो लोग मरीज को अगर ये बीमारी होती है तो उनमें बीमारी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। ठीक है, हमारे साथ राकेश यादव जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट एम्स के हैं। क्या एम्स में कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी से, या फिर आईसीएमआर की तरफ से कोई नई बैठक, या फिर कोई नए निर्देश दिए गए हैं हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ्स के लिए, या फिर इस नए वायरस को लेकर के? राकेश यादव जी, पहली बात तो आप बार बार ये मत कहिए नया वायरस है, ये इतना पुराना है जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा, तो गलत है कि ये नया वायरस है। ये वायरस 68 में भी पैंडेमिक कर चुका है, 2010 में भी कर चुका है, तो ये मत कहिए। जैसे बाबा डॉक्टर वेंकटेश ने बहुत अच्छी बात कही, हमारी एडॉप्टिव इम्यूनिटी खत्म हो गई है, कम हो गई है। इसका आर वैल्यू आप देखेंगे तो 1.25 है, कोविड के ओमिक्रॉन की 4 चली गई थी, तो ये डेफिनेटली कम संक्रमित है और इतना सीरियस नहीं है। इसको इतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं है जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये तो आएगा अभी मानसून के बाद, फिर इन्फ्लुएंजा आएगा, कभी H3N2 आएगा, कभी H1N2 आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पे इन्फ्लुएंजा जो है वो हर साल अटैक होता है, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी है इसकी। ये बिल्कुल सही है, जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें ये ज्यादा होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमें खांसी जुकाम हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुजुर्गों को हुआ फिर भी हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो सब ये घातक तब होता है जब आप राकेश यादव जी भाभी प्रॉब्लम यहाँ है। राकेश यादव जी, प्रॉब्लम अभी यहाँ है कि कोरोना में जितने व्यूवर्स हमारे, जितने देश के नागरिक है ना, वो बहुत सतर्क भी हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं कि देश के बड़े बड़े संस्थान, चाहे वो एम्स हो, ICMR, उन पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। जैसे आपने कहा कि हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे यहाँ कह रही हूँ कि अभी इस देश में कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, आप सीधा आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए, सबसे पहले अगर आपने H लिख दिया तो H3N2 ही आएगा। लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये उतना ही घातक तो नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे जान से जुड़ा हुआ, और कोविड में हमने देखा कि तरह की महामारी। आश्वासित रहिए, ये उतना घातक नहीं होगा। और जैसे बार बार सब लोग कह रहे हैं, इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट हम 40 साल से जानते हैं, कोविड का ट्रीटमेंट हम 2 साल से जान पाए हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूजन बहुत है। इन्फ्लुएंजा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर ओल्ड एज है, आपको फीवर आए, डॉक्टर के पास जाइए, टैमीफ्लू आप 5 दिन लीजिएगा, आपकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जब सीरियस होने लगते हैं, आपका अस्थमा डिटोरिएट हो जाता है, आपका COPD डिटोरिएट हो जाता है, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तब आप भागते हैं। तो इतना हाइप मत करिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मोर्टेलिटी होने लगेगी, मौतें आने लगेंगी। हाँ, थोड़ा ये घातक पुराने इन्फ्लुएंजा से ज्यादा है, वो भी बुजुर्गों में और बच्चों में। तो बुजुर्ग और बच्चों को अगर खांसी जुकाम है तो कृपया करके सेल्फ मेडिकेशन से बचे, डॉक्टर जाके दिखाएं। और ये भी नहीं कि टैमीफ्लू सबको खानी है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको खानी है कि नहीं खानी है। तो जैसे बार बार हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि ये हमारा एक सीजनल फ्लू है, थोड़ा सा जो ये इन्फेक्शन है उसका कारण, जैसे बार बार लोग बता रहे हैं हमें कोविड के चक्कर में हमें इन्फ्लुएंजा हर साल कम हुआ, क्योंकि हमने अपने को प्रोटेक्ट रखा तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। अगले साल आप देखिएगा, सही, बिल्कुल सही कहा, ये वैसे ही कॉमन फ्लू होके चला जाएगा। ठीक है, राहुल भार्गव जी, बुजुर्गों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? उससे ज्यादा उनको वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत है। दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर है कि 50 साल से ऊपर जो भी व्यस्त लोग हैं उनको अपना वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा में चारों वेरिएंट इस समय जो प्रेविलेंट है उनके अगेंस्ट में वैक्सीन है और हमारे को लगवानी चाहिए। और हमें देखा भी है कि कोरोना के बाद लोगों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाने की मुहिम जो चलाई गई उसने ज्यादा अडॉप्टेबिलिटी थी, ज्यादा अडेप्टेबिलिटी थी। तो लोगों को सतर्क रहना आवश्यक है। बुजुर्ग लोग जो है वो मास्क पहन के रखें, अपनी 2 गज की दूरी रखें, किसी भी क्लोज डोर स्पेस में ना जाए, हाथ निरंतर रूप से होते रहे, जो बाकी चीजें नियमित रूप से करते हैं वो करते रहे, वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाने से कोरोना, जैसे कोरोना से हमें बचाव मिला था वैसे इन्फ्लुएंजा की भी सीवियरिटी से हमें बचाव मिलता है। बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं। और अगर घर में जो बच्चे या भी कोई काम काजी लोग हैं जो वापस आते हैं, मास्क पहन के बुजुर्गों से दूर रहें जब तक 2-3 दिन से ज्यादा उनको वायरस चला नहीं जाता है। 4 दिन के अंदर वायरस संक्रमित तरीके से खत्म हो जाता है, संक्रमण वो आगे नहीं दे सकता। तो जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है कि खांसी जुकाम है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। बाकी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खतरनाक और घातक जैसे शब्द बिल्कुल यूज नहीं करने, नॉर्मल जीवन यापन करिए, बुखार हो सेल्फ मेडिकेशन ना करते हुए पैरासिटामोल के माध्यम से अपने आप को ध्यान दें। ठीक है, हमारे साथ बच्चों के डॉक्टर भी मौजूद हैं।
मनीष मन्नान जी, बच्चों को लेकर के कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चों के साथ निकलकर पार्क में खेलते भी हैं। जी, तो मैं दो तीन चीजें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर मेरे से कोई माँ पूछती मैं क्या करूँ कि मेरा बच्चा बीमार ना हो, अपने बच्चे को स्वस्थ रखो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, इसके दो तीन जरिए हैं। एक तो उनका डाइट अच्छी होनी चाहिए, सब्जियां फ्रूट ये एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जो है ये बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान देता है। आजकल बहुत हम देखते हैं बच्चे मोबाइल में बैठे हुए हैं, टीवी के आगे बैठे हुए, नीचे खेलने नहीं जाते। जो बच्चा नीचे पार्क में जाके भागता दौड़ता उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मेरी बात मानी, तो बच्चा कम बीमार पड़ता है, ये सिखाना चाहिए। एक सिंपल सी चीज और मैं सबको ये कहता हूँ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने हाथ अपने मुंह में लगाने से पहले अगर हम सब उसको धो लें तो संक्रमण होने की जो आशंका है वो बहुत हर कुछ कम हो जाती है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए बेटा अपने हाथ अपने मुंह में लगाने से पहले आपको धोना जरूर, ये बेसिक हाइजीन वाली चीज है। तीसरी चीज, यदि आपका बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल ना भेजे, घर में रखे ताकि वो ठीक हो जाए और बाकियों को संक्रमण ना दे, पहला। और दूसरा, यदि वो रेस्ट लेता है घर में लेके आराम करता है तो वो जल्दी ठीक हो जाए। छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी बातें यदि इनका ध्यान रखा जाए तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, हमारे साथ पवन कुमार भी हैं, हेल्थ जर्नलिस्ट। पवन कुमार, आप खुद फील्ड में निकलते हैं, क्या बातचीत होती है जर्नलिस्टों के बीच में अब नए इन्फ्लुएंजा के बारे में? हालांकि हमारे यहाँ से जितने डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, उन्हें जागरूक करना, बताइए। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक डॉक्टर राकेश यादव जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि ये वायरस बहुत पहले से है और पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग अपने आप को इतने तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे हैं कि बिल्कुल हम लोग बाहर से एक्सपोज नहीं हुए। अब ये वायरस आया है तो हम लोग आसानी से एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही किसी को बार बार जाकर के आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की भी जरूरत है। अगर टेस्ट कराना भी है तो उनको टेस्ट कराना चाहिए, जो ILI के जो पेशेंट हैं या जो सारी के पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं उनकी जाँच करके एक आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनकी स्टडी कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको कितना एसरी और है, सबको जाँच कराने की आरटीपीसीआर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, ये जरूर है कि मास्क आप पहनिए, ऐसे भी जब वायरल किसी को इन्फेक्शन होता है तो मास्क पहनते हैं, हाथ पे जब छींकते हैं तो आप नाक पे छींक कर हाथ रखते हैं, तो ये सब जो बेसिक एक जो मेजर्स है वो लेना चाहिए और घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ जरूर, छोटे उम्र के लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, मैं कह रही हूं मोर्टेलिटी रेट कम है लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं ना, लंग्स पे उसका इम्पैक्ट है। बिल्कुल, केसेस बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे और ये मार्च के एंड तक आप देखेंगे कि केसेस धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और ये हर साल ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि साल हो रहा है, जनवरी टू मार्च ये केसेस बढ़ते हैं और फिर जब मौसम लास्ट हो रहा होता है रेनी सीजन तो अगस्त के बाद आप फिर देखेंगे 1-2 महीने का विंडो ऐसा आएगा जिसमें ये सब केसेस बढ़ते हैं। इसमें बहुत कुछ अननेचुरल बिल्कुल भी नहीं है और ये पिछले 2-3 साल हमें सिखाया है और ये नई चीज़ नहीं है, ये जरूर है कि सबको हो रहा है और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल से कोविड से चुकी हम लोग इतने आहत रहे हैं, परेशान रहे हैं तो लोग इसको बहुत जल्दी गंभीरता से लेने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं। बतौर जर्नलिस्ट भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। लेकिन साउथ के कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि पुदुचेरी और कई राज्य हैं जहाँ पर कई बड़ी संख्या में वहाँ पर केसेस पाए गए हैं, 80 के ऊपर पाए गए, तो ऐसे में आप कह रहे चिंता ना करें, लेकिन मैं बताता हूँ इसके पीछे वजह क्या है। आपको याद हो कि जब कोविड हम लोगों ने सबसे पहले केरला में डिटेक्ट हुआ था 20 दिसंबर या समथिंग जो डेट था 2020 का, उसके बाद सारे देश में लगभग कोविड के केसेस डाउन होने लगे लेकिन केरला में स्पेशली केसेस लगातार बढ़ते रहे हमेशा सबसे ज़्यादा। इसका एक कारण ये भी था कि ट्रेसिंग बहुत का तरीका बहुत अच्छा था, लोग वहाँ टेस्ट ज़्यादा करा रहे थे। नॉर्थ बिहार में देखें आप टेस्ट ही नहीं कराते तो वहाँ पता ही नहीं चलेगा, वहाँ टेस्टिंग की संख्या ज़्यादा है, वहाँ एक जो मैकेनिज्म वहाँ स्टेट अपनाया है या जो सेंटर ने बनाया उसको फॉलो भी अच्छे से किया जाता है और ज़्यादातर लोग अपने होम क्वारंटाइन करके रखा उस समय एक्सपोज नहीं हुए, तो जब बाहर आए जब ओपन हुआ सब कुछ तब उनमें ऑब्वियस है वो वायरस आएगा और उसकी वजह से वो केसेज वहाँ बढ़ते रहे, वो एक कॉन्स्टेंट बढ़ता रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अचानक से कभी बढ़ गया कभी घट गया, ये कॉन्स्टेंट आप देखेंगे वहाँ केस आते रहे हैं। ठीक है डॉक्टर कृष्णन, हम कितने तैयार हैं, हमारा जो पूरा का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम कितने तैयार हैं अगर केसेस बढ़े? मैं कह रही मोर्टालिटी रेट क्या बात कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कम है, लेकिन केसेस अगर बढ़े तो उसके लिए कितने तैयार हैं हम? पूरे तैयार हैं, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने से देख ही रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, हम इलाज भी कर रहे हैं, मरीज भर्ती भी हो रहे हैं, ठीक होके भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई घबराने की जरूरत है, सारा सेटअप वही है,
कोविड के टाइम पे सारा सेटअप हमारा पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आउटब्रेक होता है, पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट फिर बात मैं एक ही बात बोलूंगा, 99% पेशेंट्स, इवन मोर देन 99% पेशेंट ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जाएंगे, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। ठीक है, हमारे साथ, हाँ बोलिए बोलिए। तो हमें इस बारे में नहीं सोचना हमारा कितना है, बस यही है कि अगर बेकार में डर फैल गया फिर दिक्कत हो जाएगी, हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडिंग होना शुरू हो जाएगा फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो हमें लोगों को यही समझाना है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल फीवर है, दो दिन में ठीक हो जाएगा, तीन दिन मैक्सिमम चलेगा, खांसी थोड़ी लंबी चल सकती है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, राकेश यादव जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसा कि हमने कोविड में कई तरह की मेडिसिन खाए हैं दो साल तक, जिसमें विटामिन सी था, विटामिन डी था, काढ़ा, मैंने बात की कि हम काढ़ा लगातार पीते रहे, विटामिन सी का इंटेक हमने बढ़ा दिया कि हम सेल्फ इम्यून हो जाते हैं, वायरस अपने आप नहीं आएगा। उसके बाद फिर कई तरीके के हम खुद ही प्रिकॉशंस घर में लेते रहे थे, डोलो 650 तो हमारे जैसे सेकेंड हैंड में अवेलेबल था कि जब भी हमारे पास होता था। ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद भी क्या हमारी इम्यूनिटी पे इन तमाम दो साल से जो चीज़ें हमने अपने शरीर के साथ, अपनी बॉडी के साथ किया है, क्या उसका इम्पैक्ट है कि हमारी इम्यूनिटी में भी इम्पैक्ट आया है और इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हुई है? कि जैसे कि आपने कहा कि इन्फ्लुएंजा है, ये कोविड नहीं है, ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, हर बार सीजनल ये हो सकता है, पुरानी बीमारी है, तो क्या हमारी जो क्षमता है शरीर की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्या वो कम गई है इसीलिए हम ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं? राकेश जी, इसको जरा समझाइएगा। तो हर डॉक्टर एक ही बात बोल रहा है कि काढ़ा, विटामिन सी, इनसे कुछ नहीं होता, ये सब हम लोग बिल्कुल बार बार कह रहे हैं, राधा लोग इतना काढ़ा पी गए कि लीवर खराब हो गया, ये बिल्कुल गलत। इम्यूनिटी किससे आती है? आपकी डाइट बैलेंस। मैंने बहुत काढ़ा नहीं पिया है, हल्दी और अजवाइन और ये सब क्या क्या था वो डर पीना ही पड़ता था। नहीं, हमें तो एंकर करना था तो लेके जा, तो नहीं मेंटली, मैं कहती हूँ मेंटल भी होता है ना, कि आपको लगता नहीं मैं सिक्योर इससे, मतलब मैं बची रहूंगी। सिंपल सी बात है, हम डॉक्टर एक ही बात कर, लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ले? हमने कहा नॉर्मल खाइए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग मत करिए, बैलेंस डाइट खाइए, खुश रहिए। अब वो कहेंगे हम विटामिन ई खा लें, हम काढ़ा पी लें, हम एंटी ऑक्सीडेंट ले लें, हम वो ले लें, हम फलाना कर लें, हम ये योगा कर लें, वो कर लें, ये सब देखिए ठीक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो करिए। लेकिन जो हम लोग बार बार कहते हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी कोमॉर्बिडिटी को कंट्रोल करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, टोबैको बंद करें, अल्कोहल बहुत लिमिटेड पिए, बैलेंस डाइट खाएं, और सबसे अच्छी बात है एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे सवालों का भी जवाब दे दीजिए, फाइनल कमेंट में आऊंगी आपके पास, लेकिन मेरे सवालों का जवाब जो मैंने आपसे पूछा, क्या इम्यूनिटी हमारी कम गई है? अरे बिल्कुल नहीं कम गई है भाई, हम उतने ही शक्तिशाली हैं, आप कृपा करके हम लोग अपने को ना डराएं, हम लोग सब बहुत है, ये इन्फ्लुएंजा आएगा, कहीं आपको सर्दी जुकाम तो नहीं है? आप इधर डरे डरे से साउंड कर रहे हैं, कहीं आपको है तो नहीं? अभी मैंने लास्ट 20 साल से अपना डाटा रिकॉर्ड किया, मुझे हर साल खांसी जुकाम हुआ, अगर वो नहीं होता है तो अगर देखिए पीडियाट्रिशियन हमारे पास है, वो कहेंगे बच्चों को हर साल होना जरूरी है, उनसे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनिटी खाने से, इम्यूनिटी काढ़ा पीने से नहीं होती है, इम्यूनिटी आपको इन्फेक्शन होगा, जब हमारे में इम्यूनिटी है तो हमें इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होगा, हो सकता है आपको पता नहीं लगे कि आपको एक्सपीरियन हो के निकल भी गया हो। तो कृपया करके ये कहना कि ये करो वो करो, हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो मैंने 6 चीजें बताई हैं, हमारे पास हर डॉक्टर कन्विंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको हो गया ना, तो जो बार बार सेल्फ मेडिकेशन, आपके पिताजी को हो गया, आपकी माता जी को हो गया, आप उसको घर में इलाज कर रहे हैं, जब सीरियस हुए तो उठा के अस्पताल ले जा रहे हैं, अरे पहले किसी डॉक्टर को दिखा देते, वो सब एक बार उनकी जांच कर लेता, तो इतना नहीं घबराइए, बट हाँ ये थोड़ा सीरियस है, तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम लगते हैं, आपकी सांस फूलती है, आपका फीवर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रहा है, प्रोलॉन्ग कर रहा है, इतनी खांसी हो रही है, आपको चक्कर आ, तो कृपया जाइए अपने डॉक्टर को दिखाइए, और बिल्कुल पैनिक होने कृष्णन जी अगर ठीक है, पैनिक नहीं होना। कृष्णन जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, एक सवाल मेरे पास अभी फोन पे आया है कि जो, क्योंकि ये लंग्स को, लंग्स पे इम्पैक्ट डालता है, तो एक सवाल है कि जो लोग चेस्ट के लिए, चेस्ट कंजेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, जैसे मॉन्टेयर है, मॉन्टेयर एलसी है, इन सब इन ये मेडिकेशंस लेते हैं, क्या उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है? हाँ, जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंजा उनमें दिक्कत कर सकता है, और जितने भी मरीज हैं लंग्स की डिजीज़ के,
नॉर्मली हम लोग उनको इन्फ्लुएंजा का टीका हर साल लगाते ही लगाते हैं ताकि इन्फ्लुएंजा से बच के रहे वो। तो ऐसे मरीजों को ख्याल रखना है कि अगर खांसी बिगड़ रही है, सांस फूल रहा है, बलगम ज़्यादा आ रहा है, तो उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंजा के जैसे मैंने कहा दवाई शुरू में काम करती है तो जल्दी दिखाएंगे तो इलाज होगा, बट ये मोंटेरेलसी वगैरह इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब खांसी बलगम में थोड़ा सा राहत देती है बट बीमारी का इलाज नहीं करती है। ये एस्थेमेटिक पेशेंट्स अगर हो लगातार पफ जो है वो यूज करते हो, ये भी सवाल मेरे पास आया, क्या उनको भी डरने की जरूरत, क्या मास्क लगाना उनके लिए जरूरी है अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस में हैं? हाँ, जो लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है उन लोगों को जहाँ पे ओपन स्पेसेस में जाते हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, घर के एनवायरमेंट से बाहर है, वर्किंग एरिया में है, वहाँ मास्क पहन ले तो बेटर है, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे इन्फेक्शन से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, जो लंग्स की इम्यूनिटी है, पर्सनल इम्यूनिटी नहीं, ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो कम होती है। ठीक है, इस सवाल पे डॉक्टर राकेश यादव भी कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे हैं आप सर हिला रहे थे। मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप सतर्क रहिए, लेकिन घबराइए नहीं। अब आप कहेंगे कि आप 3 महीना घर में बैठ जाइए, हम तो ऑफिस नहीं जाएंगे, हम ट्रेवल नहीं करेंगे, हम सरकार से कहेंगे लॉकडाउन लगा दो, ये तो बेवकूफी बेबुनियाद चीजें हैं, ये मत इंकरेज करिए। हाँ, जैसे का कॉशियस रखिए, आपको ना हो ज्यादा अच्छा है, बोलता है तो प्रिकॉशन रखिए, डॉक्टर को दिखाइए। पर ये कहना कि हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं, जैसा फोबिया कोरोना में क्रिएट हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो साल भर अपने घर से बाहर नहीं निकले, वो फोबिया ना क्रिएट करें। बच्चाएं मास्क पहने, अच्छी बात है, हम तो कहेंगे कि अब वो समय आ गया कि आप जिंदगी भर मास्क पहने रहिए, अगर आप भीड़ भाड़े इलाके में जाते हैं उसमें कोई हार्म नहीं है, बट पैनिक नहीं होना है। अगर आपको लंग की प्रॉब्लम है तो हो गया फीवर, तो कृपया करके अपने पड़ोसी डॉक्टर को दिखाएं जरूर। घर में ये मोंटेरेलसी और अस्थमा का इलाज और ये है, हम ये दवा ले रहे हैं, कृपया मत करें, यही हम लोग का संदेश है। ठीक है, और अगर आप ये करेंगे तो पैनिक मत होइए। ठीक है, ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ हम जाएंगे, शुरुआत करेंगे, हमारे साथ पवन जी हैं। पवन, फाइनल कमेंट दीजिएगा। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और हाइजीन मेंटेन करें और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, और दूसरा कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना लें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना लें बिना डॉक्टर के, क्योंकि आजकल तुरंत एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन का 5 दिन का खुद ही ले लेते हैं, वो बिल्कुल ना, अगर लेना भी है तो पैरासीटामोल बहुत सेफ दवाई है, पैरासीटामोल के अलावा दूसरा कोई दवाई यूज ना करें। अगर जरूरत पड़ता है कि हर छोटी चीज में आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो अगर जरूरत हो तो पैरासीटामोल के अलावा खुद फिर कोई दूसरी दवा ना लें। ठीक है, हमारे साथ सरकार के सारे, ठीक है, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। बोले सरकार ने सारे स्टेट्स को इस तरह का निर्देश दे रखा है और स्टेट अपना काम करे, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को भी ये सारी जिम्मेदारी दी है और सरकार इस मॉनिटरिंग कर रही है कोविड के बाद। ठीक है, बिल्कुल लाइट कोविड पे तो सरकार नहीं है। ठीक है, मनीष मन्नान जी, फाइनल कमेंट। जी, एक चीज याद रखनी चाहिए, मेरा एक चीज मैं अपने सारे पेशेंट को कहता हूँ कि यदि आपको लगता है आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है तो आपको कोई दवा लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे, होम रेमेडीज, मैक्सिमम पैरासिटामोल, इसी से ठीक हो जाता है। यदि इससे ठीक नहीं हो रहा तो ये कॉमन कोल्ड नहीं है, फिर जाकर डॉक्टर को दिखाइए, पहली बात। दूसरी, हर फीवर H3N2 नहीं है, हमारे पास एंट्रिक फीवर भी आ रहा है, बाकी तरह के फीवर भी आ रहे हैं, तो हर एक चीज को ये शायद फ्लू को लेकर बैठ जाना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई सिम्टम्स परसिस्ट करते हो तो डॉक्टर को जाके दिखाइए, और इसका फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल है, बच्चों में जरूर रिकमेंडेड है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लगाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कृष्णन जी हैं, फाइनल कमेंट दीजिएगा। वेंकट कृष्णन जी, फाइनल कमेंट तो ये है कि जाने की कोई जरूरत नहीं है, बीमारी इतनी ज्यादा घातक नहीं है, हल्का फ्लू का बीमारी है, चलेगा कुछ दिन और चलेगा, फिर दिन के साथ खत्म हो जाएगा। अब दिक्कत है अगर आते हैं ज्यादा फीवर हाई है तो ये मुझे ऐसा पूरे डिबेट में ऐसा लगा है वेंकट जी, अब इन्हें आराम से एकदम आराम से बेफिक्र होकर कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास तो आधे डॉक्टर जो पेशेंट आते होंगे वैसे ही ठीक हो जाते होंगे कि चलो कोई बात नहीं है, इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ एम्स के भी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं यादव जी, आप बताइए। राकेश यादव जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। आवाज कम है, घबराइए नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं संदेश दूंगा, अभी होता क्या कि जब आपका फीवर खत्म होता है तो वैसे ही नॉन कंटेजियस हो जाता है। अब आपके फीवर के खत्म होकर 4 दिन बाद हॉस्पिटलाइज होकर प्रिकॉशन लेके क्या करेंगे, क्योंकि आप इन्फेक्शन फैलाएंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने पहले अच्छी बात कही आज कि अगर आपको दवा की जरूरत है
तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और अगर आपको दवा की जरूरत नहीं है तो आप घर में रहिए। घर में आप सिर्फ क्रोसिन के सिवा कोई और दवा ट्राई ना करें, ये बिल्कुल सही मैसेज है। और थोड़ी भी अगर जैसे प्रोलॉन्ग हुआ, हाई फीवर हुआ, तो डॉक्टर को दिखा लें। ये भी मत कहें कि डॉक्टर लूटेगा, डॉक्टर फालतू के इन्वेस्टिगेशन लिखेगा, फालतू की दवाएं लिखेगा। जो ये कंसेप्ट क्रिएट हो गया है ना, यही मरीज को सीरियस करता है। अगर आप पहले डॉक्टर को दिखा लें तो शायद आपके बुजुर्ग को बच्चे सीरियस होने से बच जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी आए इस मंच पर, अपनी अपनी बातों को रखा। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि इन्फ्लुएंजा है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका टीका भी भारत में मौजूद है, इन्फ्लुएंजा जो H3N2 है, इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगवा सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ख्याल रखें। और इसी के साथ हमारे इस वीकेंड्स के स्पेशल एडिशन में फ़िलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अपने इस वीकेंड के स्पेशल शो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।